हाय एवरीवन, नमस्ते। अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बर्फ़ी। इस बेसन की बर्फ़ी को हम बिना चाशनी के बना के रेडी करेंगे। कई बार चाशनी बनाते टाइम बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चाशनी परफेक्ट नहीं बनती, तो इस रेसिपी में वो वाला झंझट हम ख़त्म करने वाले हैं। बिना चाशनी की बहुत ही आसान तरीके से बेसन की बर्फ़ी बना के रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई जो है वो मोटे तले की होनी चाहिए। उसमें हम डालेंगे आधा कप घी, और घी जो है वो भी रूम टेम्परेचर पर का ही लीजिए ताकि परफेक्ट मेजरमेंट जो है वो आ सके। तो घी हमने डाल दिया है, उसमें हम डालेंगे बेसन का आटा। बेसन का आटा एक कप है, और बेसन के आटे को पहले तो छान लीजिए, और बेसन का आटा भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, तभी हमारी जो बेसन की बर्फ़ी है वो बढ़िया बन जाएगी। तो चलिए घी में बेसन के आटे को इस तरीके से मिक्स करते हैं। 30 सेकंड लगेंगे मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से ये बेसन का आटा मिक्स हो चुका है, और आधा कप हम बेसन डालेंगे, यानी कि तुरंत सारा बेसन नहीं डालना है, हमने दो पार्ट में बेसन डाल दिया है। तो चलिए 1.5 मिनट हमने इसको भून लिया है बेसन को। उसके बाद डालेंगे 2 टेबल स्पून बारीक सूजी, और अब हम लगातार इस तरीके से चलाते हुए बेसन को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। लेकिन याद रखना है बेसन को हमें स्लो गैस पे ही भूनना है। तो चलिए भूनना स्टार्ट करते हैं। इसको भूनने में हमें लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो अच्छे से बेसन जब तक नहीं भूनता तब तक हमें गैस फास्ट नहीं करना है या फिर पेशेंस रखने हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। लगभग 12 मिनट मुझे इस बेसन को भूनने में लगे हैं। तो स्लो गैस पे ही हमने 12 मिनट बेसन को भून लिया है। अब हम डालेंगे पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर हमें यहाँ पे जितना हमने बेसन लिया था उसे आधा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया था, तो मैं 1 कप पाउडर शुगर लूँगी। तो चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो चलिए गैस को बंद कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक ट्रे लिया है, उसमें बटर पेपर रख दिया है ताकि बेसन की बर्फ़ी जब कट करें तब बहुत ही आसानी से वो निकल जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको घी से ग्रीस कर सकते हो। तो चलिए अब हमने जो मिश्रण रेडी किया है बेसन का उसको इसमें डाल देते हैं, और ऊपर से इस तरीके से प्लेन करेंगे। तो अच्छे से प्लेन कीजिए, और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से प्लेन हो चुका है। अब अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स है तो वो डाल सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे पिस्ता और बादाम है, तो मैं यहाँ पे पिस्ता और बादाम ऊपर से डाल दूंगी। बारीक कट करके भी डाल सकते हो आप। तो चलिए इस तरीके से हम पिस्ता और बादाम डाल देते हैं, और इसको रख देंगे फ्रिज में। तो लगभग 30 से 40 मिनट तक हमें फ्रिज में रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया है। मैंने इसको फ्रिज में रखा था, फ्रीजर में नहीं। तो अगर आप फ्रीजर में रखते हो तो ये 20 मिनट में ही सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज में रखा था, इसलिए मैंने इसको 40 मिनट तक सेट किया है, और परफेक्ट हमारी जो बर्फ़ी है वो सेट हो चुकी है। तुरंत ही इसको हम कट करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही परफेक्ट जो बर्फ़ी है वो कट हो रही है। तो चलिए निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। बहुत ही आसान सी है ये रेसिपी है। उम्मीद है आप इस रेसिपी को इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई करोगे। बच्चों को ये जो बर्फ़ी है ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप इस दिवाली पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ट्राई करते हो, रेसिपी बनाते हो तो मेरे चैनल पे आके कमेंट करना नहीं भूलना। बहुत ही आसान तरीके से मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के साथ।